या भगवान, मेरा बेटा राजू बच्चों के साथ घूमने गया है, घूमते घूमते ही ना मालूम कहाँ निकल गया। मैं बहुत देर से भोजन बनाकर उसका इंतजार कर रही हूँ, लेकिन वो अभी तक लौट कर वापस नहीं आया, पता नहीं क्या बात। राजू ये मैं क्या देख रही हूँ, तेरे हाथ में शमशीर और तूने पान खाया है। बेटा आज तूने पान खाया है, कल दारू पिएगा, परसों गांजा पिएगा। अगर इसी तरीके का काम करेगा तो मेरा और तेरा जीवन कैसे पार होगा मेरे लाल। ये तूने क्या किया बेटा? माँ ये पान नहीं बल्कि मेरी मौत का पैगाम है। बेटा राजू ये तू क्या कह रहा, मैं कुछ समझी नहीं, कैसे ये तेरे मौत का पैगाम है? माँ और भो भारी भोली भारी भोले भारी कोई मुझे से मई आपे कहो आप ते कुछ ना जाता कहा। मैं बच्चों के साथ खेलते खेलते रात दरबार पहुंच गया माँ, और वहां शर्त का रखा हुआ बीड़ा था, और महाराज ने ऐलान करवाया था कि जो कोई बीड़े को उठाएगा सात समंदर उस पार जाना होगा, और समुद्रजादी की तस्वीर लाकर महाराज के समक्ष पेश करना होगा। काश अगर समुद्रजादी की तस्वीर लाकर महाराज के समक्ष पेश नहीं किया तो उसे सजाए मौत होगी। बेटा राजू ये तूने क्या किया मेरे लाल? अगर तू जाता है तो भी मौत मारा जाएगा, अगर नहीं जाता तो भी मौत मारा जाएगा। लेकिन मेरे लाल तू घबरा नहीं, तू एक छत्राड़ी माँ का लाल है। मैं तुझे तरकीब बताती हूँ। जाओ बेटा बेटा इसी वक्त दरबार को
दरबार को संत राजा से दौलत ही सभी अपने ले लेना तुम थोड़ा दौलत ही सभी अपने ले लेना तुम बेटा। जैसे महाराज ने सब कबीरा रखवाया है वैसे ही तू राज दरबार जा और महाराज से अपनी शर्तें सुना। ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। बेटा ये तू कैसे माता जी प्रणाम। खुश हो बेटा? कहो गिरिलाल कौन हो, कैसे आए हो, तुम्हारा नाम क्या है और किस लिए आए? माता जी आपने पहचाना नहीं? नहीं, कौन है आप? मैं महाराज कंचन नरेश के दरबार का सेनापत शंभू सिंह। क्या बात है, तुम सेनापत शंभू सिंह? कहो मेरे लाल कैसे आए हो? क्या आपके बेटे ने कुछ बताया नहीं? बेटा मेरे बेटे ने मुझसे सब कुछ बताया। तो फिर अपने बेटे को मेरे साथ भेजो, चलो मेरे साथ। बेटा मेरा बेटा जाएगा लेकिन जाने के पहले मेरे बेटे कुछ शर्त है। शर्त है? हाँ बेटा बोलो क्या शर्त है। बेटा, मेरे बेटे की यही शर्त कि मेरे बेटे के लिए एक शाही पोशाक चाहिए और एक घोड़ा चाहिए। सफर खर्च के लिए 50,000 रुपए चाहिए तब मेरा बेटा चाहेगा। माता जी ये तो बहुत छोटी बात है, आपके बेटे को एक शाही पोशाक नहीं दो शाही पोशाक दिलवाऊंगा और सवारी के लिए वो घोड़ा दिलवाऊंगा जिस पर हमारे महाराज कंचन नरेश सवारी करते हैं, हर नागर नाम का घोड़ा जो हवा के सरीखे आसमान में उड़ता है और सफर खर्च के लिए 50,000 रुपए नहीं पूरी 1,00,000 रुपए दिलवाऊंगा। अपने बच्चे को मेरे साथ भेजो। राजू डर रहा है? नहीं डर नहीं, अरे ये काम तो मैं खुद करता, लेकिन अफसोस कि दरबार का कोई कर्मचारी वहां गया तो अपने काम में कामयाब नहीं होगा, बस इसलिए मजबूर हूं। और चलो राजू चलो मुतलक नहीं आबार करो, चलो राजू चलो मुतलक नहीं अबार करो,
बहावो नीर नहीं, दिल नहीं बेजार करो। खुशियों का इंतजार करो, इंतजार करो, इंतजार करो, इंतजार करो, अभी तो गम है खुशियों का इंतजार करो। राजू, काश तस्वीर लाकर महाराज के समक्ष पेश कर दिया तो तेरी किस्मत का सितारा चमक जाएगा, तेरी गरीबी दूर हो जाएगी। माताजी, अपनी बेटी को समझा कर हवेली भेजो, हवेली से सब कुछ दिलवाऊंगा। और हां, दरबार में बहकी बहकी बातें करूंगा, लेकिन ये मत समझना कि सेनापत मेरे खिलाफ है, क्योंकि मैं दरबार का सेनापत हूं और जो बात कहूंगा माताजी आपके बच्चे के हक में कहूंगा। राजू, जाओ, हिम्मत से काम लो, अपने आंखों से आंसू मत गिराओ और तुम मां से आशीर्वाद लेकर दरबार आओ और दरबार में मिलूंगा। माताजी राम। मैं कैसे जाऊंगा मां, मैं नहीं जा पाऊंगा। बेटा, तू ये कैसी बातें करता है मेरे लाल, एक छतरी होकर फुजूली बातें करता है। जा मेरे लाल, जाकर अपनी किस्मत को आजमा, ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा मेरे लाल। और माँ तो कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, तो प्यारी प्यारी है। ओ जो होते हैं किस्मत वाले।
दिल की अम्मा होती है। है किस्मत वाले दिल के माँ होती है मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है ओ बेटा राजू राज दरबार के यहाँ भगवान मेरे बच्चे की रक्षा करना मेरे बेटे की बहुत दुख उठाए इस जिंदगी में बहुत दुख उठाए सिर्फ एक बार